हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जिसमें आपको समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी सबका टेस्ट आएगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे बॉयल किया हुआ आलू लिया है और इसे हमने छिलका इसका निकाल दिया और इसे अब हम इसे मैश कर ले रहे हैं। तो आप हाथों से मैश कर लें, चम्मच से या पोटैटो मैशर से भी मैश कर लें। इसे बिल्कुल अच्छे से बारीक जो है फोड़ लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे, एक चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, एक चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, आधा चम्मच हम पीसी लाल मिर्च, आधा चम्मच जो है हम हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। फिर हम डालेंगे नमक और उसके बाद एक जो है बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसमें आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो खूब अच्छे से हमें मिला लेना है इसे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है अब ये आलू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसे रख देते हैं साइड में और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बची हुई रोटी ली है। तो आपके पास 3-4 रोटी जो भी है आप उसे ले लें और इस रोटी के जो है किनारे के साइड को आपको काट देना है। तो आप चाहें तो इसके चारों तरफ से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप दो तरफ का भी इसे जो है इस तरह से दोनों किनारे काट दें। और इसके बाद जो है हम इस पे लगाएंगे टमाटो सॉस और जो है आपको रोटी पे खूब अच्छे से टमाटो सॉस को लगा देना है इस तरह से। ये देखिए पूरी पूरी रोटी पे आप इसे अच्छे से फैला दें। तो आप टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। और इसके बाद हम इस पे जो है लगा देंगे ये जो आलू की हमने फिलिंग तैयार की थी उसे अच्छे से इस पे लगा देंगे हम। और थोड़ी अच्छे से मोटी क्वांटिटी में इसे लगाना है, जिस तरह से हम ब्रेड पकौड़े पे लगाते हैं उसी तरह से हमें आलू को रोटी पे लगा देना है। इसके बाद हम इसे अच्छे से रोल कर देंगे, थोड़ा दबाते हुए अच्छे से इसे रोल कर लेना है। और इसके बाद अब हम इसे जो है पीस में कट कर ले रहे हैं। तो इसे आप मोटा पतला आप अपने हिसाब से काट लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमने सबको काट लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इस तरह से कट गया है। और इसके बाद हम लेंगे स्टिक लेंगे ये वाली, थोड़ी बड़े साइज़ वाली लेनी है और इसके बाद हम जो है इसमें इसे इस तरह से लगा दे रहे हैं। तो आप जो है एक बार में 3 से 4 लगा दीजिए और इस तरह से बना लीजिए। तो ये जो है ये स्नैक्स बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही यूनिक अलग सा दिखता है और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, ये टेस्टी बनता है खाने में और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेना है। तो इसी तरह से हमें जो है सबको बना करके तैयार कर लेना है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, बहुत ही झटपट बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इस तरह से सबको बना करके तैयार कर लिया है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम स्लरी तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच आरारोट का पाउडर लिया है, आप कॉर्नफ्लोर ले लें और नहीं है अगर आपके पास आरारोट तो आप जो है चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स और नमक डाल देंगे और इसका जो है हम एक घोल तैयार कर ले रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, थोड़ा पतला ही इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो है ये स्लरी तैयार हो चुकी है और फिर हमें लेना है ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स भी रेडी है और अब हम जो है इसे आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। तो ये जो हमने स्टिक में लगाया हुआ है रोटी को और इसमें जो है अब इसे स्लरी में अच्छे से हमें डिप कर लेना है, इस तरह से चम्मच से लेकर खूब अच्छे से इसे नहला देना है स्लरी से। और इसके बाद जो है हम ब्रेड क्रम में इसे अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है ताकि ब्रेड क्रम्स चारों तरफ से अच्छे से लग जाए, इसकी कोटिंग हो जाए। तो फ्राई होने के बाद जो है ये स्नैक्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुरकुरा लगता है, खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे रोटी से बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और यकीन मानिए अगर आपने इसे बनाया तो आप जानबूझकर फिर रोटियां बचाएंगे और आप ही अपनी सुबह की चाय के साथ इसे ही बनाना पसंद करेंगे। आप इसे सुबह की चाय के साथ बनाइए, नहीं तो शाम में इवनिंग स्नैक्स में भी आप इसे अपने लिए, बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने पैन में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, तो हमने जो है इसे सेलो फ्राई करना है। तो आप चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सेलो फ्राई भी कर लें। तो यहाँ पर हमने
तीन स्टिक्स डाल दिए हैं और इसे जो है हम दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये बन जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट ये जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हम याद दिला दें कि अगर आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये हमारी बासी रोटी की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल ले रहे हैं और बाकी का भी हम इसी तरह से फ्राई कर ले रहे हैं। ये देखिए, झटपट बन जाने वाला हमारा स्नैक्स तैयार हो चुका है। कोई कह ही नहीं सकता कि इसे आपने रोटी से बनाया है। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसके बाद आप इस तरह से टमाटो सॉस से इसे सजा लीजिए, आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है। यकीन मानिए, आपने अगर इसे एक बार बनाया तो आप ज़रूर इसे बार बार बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।